हमारी शुरुआत से कोरोना वायरस के ऊपर आपके साथ बातचीत चल रही है। हम आपको एडवाइस देते जा रहे हैं, कुछ कुछ खास चीज़ें बताते जा रहे हैं जो इस इन्फेक्शन के बारे में हमको पता चलती हैं। अब एक नया रिसर्च आया है कि कोरोना वायरस डायबिटीज़ भी करता है, कि जिस मरीज़ को पहले कभी डायबिटीज़ नहीं था वो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की चपेट में आके डायबिटिक हो जाते हैं। कोरोना वायरस और डायबिटीज़ का आपस में बहुत ही एक घनिष्ठ सा संबंध है। सबसे पहले तो जो डायबिटिक्स हैं उनको कोरोना वायरस जब होता है या कोविड-19 की जब इन्फेक्शन होती है तो उनको बहुत सीरियस इन्फेक्शन होती है। दूसरी बात, कोरोना वायरस अपने आप ही डायबिटीज़ कर सकता है, और आजकल काफ़ी केस हम देख रहे हैं जहां कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। इसमें अनफॉर्चुनेटली वो वाली डायबिटीज़ है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। हमने देखा है कि जो वायरस है जिसमें स्पाइक प्रोटीन है, ये शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स में जाके अटैच होता है और वहीं से ये मल्टीप्लाई करता है। जहाँ जहाँ पर ACE2 रिसेप्टर्स होंगे शरीर में, वहीं पर ये वायरस ज़्यादा अटैक करेगा। ये पाया गया है कि पैनक्रियस जो इंसुलिन बनाती है, पैनक्रियस के आइलेट सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स हैं। कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है और वो वाले सेल्स डिस्ट्रॉय करता है जो बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं। इन्फेक्शन के कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल्स राइज कर रहे हैं, ज़्यादा भूख लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और वजन घट जाता है, और फिर डॉक्टरों को शक होता है कि शायद पेशेंट को डायबिटीज़ ना हो। शुरुआत से ही हम आपको बताते जा रहे हैं ये खतरनाक बीमारी है, इसको हमको लाइटली नहीं लेना है। जो जो सरकार नियम दे रही है आपको, लोगों से दूर रहो, पब्लिक गैदरिंग में मत जाओ, बाहर जाओ तो मास्क पहन के हमेशा जाओ, अगर बाहर जाना है तो ज़रूरी काम के लिए जाना है, ऐसी मस्ती मजाक के लिए नहीं जाना है, पार्टीज़ के लिए नहीं जाना है, पब्स रेस्टोरेंट्स में फिजूल में नहीं जाना है। जहाँ तक हो सके बीमारी से बच के रहें, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नया रिसर्च आता है जिससे हमें पता चलता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on practice.